हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमराज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ई पाठशाला में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने प्रीवियस क्लास में प्रतिशत के बारे में पढ़ाया था और उस प्रीवियस क्लास में हमने चुनाव से संबंधित प्रश्नों के बारे में पढ़ा था, यानी कि जो भी चुनाव से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में उसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। और मैंने ये बताया था कि इसमें इस प्रतिशत चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उसको टॉपिक वाइज करके पढ़ेंगे। तो आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ उसका सेकंड टॉपिक, जो जिसका नाम है आय व्यय और बचत, यानी कि आज हम लोग आय व्यय और बचत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं आय व्यय और बचत क्या है। तो आय यानी कि जो व्यक्ति अपनी कमाई करता है, जितनी इनकम होती है, जो व्यक्ति जितनी अपनी कमाई करता है वो आय होता है। और व्यय की बात करते हैं, कमाई करने के बाद आप खर्च करते हैं, वही आपका क्या होता है, व्यय होता है। यानी जो आपका खर्च होता है वो व्यय होता है, और आप जो पैसा बचाते हैं वो आपका क्या होता है, बचत होता है। तो आज का हमारा टॉपिक आय व्यय और बचत पर होगा, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सीधा हम क्वेश्चन बनाएंगे, इसमें कोई भी थ्योरी की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग और क्वेश्चन देखकर बनाएंगे और वहीं सीखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि जो भी टॉपिक हो उसको आप भली भांति पूर्णता समझ सके, यानी कि जितने भी क्वेश्चन हो आपको क्लियर हो सके। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें कम से कम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो आय व्यय और बचत से संबंधित प्रश्न के लिए। तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट जो प्रश्न होगा स्क्रीन पे होगा, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं पढ़ के उसको सुनाता हूँ, फिर उसको बनाया जाएगा। मेरा पहला क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देखिए, आप भी पढ़िए एक बार। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, 25% बिजली पर खर्च करता है तथा 10% अन्य खर्च करता है। अब उसके पास 9,000 रुपया बचा है, तो उसकी मासिक आय क्या है? यानी कि एक व्यक्ति है, जितनी कमाई करता है उसमें वो खर्च करता है, वो कितने मदों पर? तीन मदों पे, जिसमें से एक है भोजन पर, एक है बिजली पर और एक है आपको 10% अन्य खर्च। अब हमको आप एक बात बताइएगा कि आपकी जो भी कमाई होती है वो अगर आपको मालूम नहीं है तो हम 100% मानकर चलते हैं, क्योंकि उसकी कमाई क्या है ये तो हमको मालूम ही नहीं है कि वो क्या कमा रहा है। तो सीधा हम क्या करेंगे कि उसको 100% लेकर चलेंगे और माना कि उसकी जो आय है, उसकी जो टोटल इनकम है वो कितना है, 100% है। तो यहाँ हम आय को मान लेंगे कितना, 100%। ठीक है, ये उसका आय हुआ। अब बात करते हैं खर्च का। ठीक है, खर्च का बात करते हैं, तो सबसे पहले वो खर्च करता है 20% भोजन पर। ठीक है, पहला खर्च है उसका 20% भोजन पर। तो भोजन पर जब खर्च देखें, यहाँ हम खर्च इंक्लूड कर लेते हैं कि टोटल खर्च उसका कितना है, तो 20% भोजन पर खर्च करता है और उसके बाद 25% बिजली पर खर्च करता है। तो इसमें भी 25 को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। और इसके बाद 10% अन्य खर्च करता है, यानी 10% को भी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब आप देखिएगा तो टोटल खर्च की बात आएगी, तो 20-25 आप जोड़िएगा तो 45, 45, 10 कितना होगा, 55, यानी कि वो 55% खर्च कर चुका है। उसकी टोटल आय है 100% और खर्च है उसका 55%। ठीक है, तो क्या आप उसका बचत बता सकते हैं? तो बचत बताने के लिए हम क्या करेंगे कि कुल आय में से अपने खर्च को घटा देंगे, यानी कि 100% में से अगर हम 55% घटा देंगे तो हमारा 45% बचेगा।
और 45% जो उसका बचत है उसके आभाय उसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है कि उसके पास शेष अभी 9,000 रुपया है, यानी कि 9,000 जो रुपया है वो उसका क्या है, शेष है, यानी कि 45% का वैल्यू है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 9,000 रुपया। ये कटा सकते हैं आप, 45 से कटाइएगा, एक का वैल्यू निकाल सकते हैं 1% का, तो 45 × 90 और ये हो गया 200। तो आपने टोटल आय माना है 100%, तो 100% का वैल्यू जब आप निकाल दीजिएगा तो 200 पे 2 सुनना बढ़ जाएगा, यानी कि आप गिन लीजिए आपका टोटल इसमें खर्च हो गया उसका कितना है, सॉरी कुल आय हो गया उसका 20,000, यानी कि उस व्यक्ति की जो आय थी वो 20,000 थी। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन समझने के लिए कुछ बातें लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो कैलकुलेशन आप अपने दिमाग से ही करेंगे, करेंगे क्या कि खर्च को आप अपने दिमाग में जोड़ लेंगे और सीधा सीधा आय से घटाकर और जो शेष बचेगा आप सीधा वहां भागा करके 100 का वैल्यू निकाल देंगे। यानी इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं लिख रहा हूं इसलिए ताकि आप क्वेश्चन को समझ सकें। तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको आप समझिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिएगा ध्यान से और समझिएगा और एक बार जरूर पढ़िएगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आप पढ़िए, करें कि राम अपनी मासिक आय का 12.5% पानी पर खर्च करता है, 40% भोजन पर खर्च करता है तथा 10.5% माल ढुलाई पे खर्च करता है, तो उसकी वार्षिक आय क्या है। क्वेश्चन को समझिए, पहला वाला क्वेश्चन और ये सेकेंड क्वेश्चन एक ही हैं, बस थोड़ा सा अंतर है कि पहले वाले क्वेश्चन में बात मासिक आय की हो रही थी और मासिक आय पूछा भी गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में बात मासिक आय की हो रही है परंतु मासिक आय न पूछ करके यहाँ वार्षिक आय पूछा गया है। तो जो हमारा लास्ट पॉइंट है उसको आपको ध्यान में देना होता है। अक्सर एग्जाम में यही होता है कि मासिक आय देकर वार्षिक आय पूछ लिया जाता है तो वहां गलती कर देते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ भी सेम चीज वही करना है, यानी कि यहाँ हम उसका टोटल आय मानेंगे, यानी कि उसका जो टोटल इनकम है वो क्या है, 100% है। टोटल इनकम कितना है, 100% है। और खर्च की बात कर देते हैं तो उसका खर्च देखिए कितना है। खर्च में सबसे पहले है 12.5% प्लस आगे जो खर्च कर रहा है 40% और प्लस अगला जो खर्च है उसका 10.5%। तो चलिए यहाँ टोटल खर्च को जोड़ दिया जाएगा तो 40, 10, 50, 12 जोड़िएगा तो ये होगा 62 और ये पॉइंट हो गया 63, यानी कि 63%। अगर हम ये आय निकाल लिए, खर्च निकाल लिए, अगर आपसे पूछेंगे कि आप बताइएगा कि बचत क्या होगा तो आप क्या करेंगे, बचत निकाल सकते हैं कि नहीं, तो बचत जो होगा यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो 100 में से आप 63 को घटा दीजिएगा तो आपका कितना बचेगा आप देख लीजिएगा। यहाँ पे ये हो गया 7 और 9 में से ये 6 गया हो गया 37, यानी कि 37, ये हो गया 37%, जिसका वैल्यू दिया गया है आपके क्वेश्चन में कितना रुपया, 1480 रुपया उसके पास शेष है। तो 1480 आप देखिए कटाकर कि ये कितना बार में कटता है ताकि एक का वैल्यू निकाल सके, तो 7×28 और 4 से यहाँ पर देखते हैं 4 से गुना करा के 7×28 हासिल 2 आ यहाँ चढ़ती है 12 और 2 14, 4 से कट गया तो 1 सुना देंगे। लेकिन अब 100% का वैल्यू निकालिएगा तो ये कितना होगा, 4,000, ठीक है रुपया। लेकिन अब गौर करिएगा, आपसे पूछा गया है कि उस व्यक्ति का, ठीक है, वार्षिक आय ज्ञात करें।
तो वार्षिक आय ज्ञात करने के लिए आप क्या करिएगा बताइए। वार्षिक आय, मासिक आय दिया गया है और वार्षिक आय पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, इसमें 12 से गुना कर देंगे, यानी कि 4000 में 12 से गुना कर देंगे तो वार्षिक 48000 रुपया ये उसका आंसर होगा। ठीक है, यानी कि उस व्यक्ति का जो वार्षिक आय है वो कितना हो जाएगा, 48000 रुपया। आप अपने ऑप्शन में देख लीजिए कि किस ऑप्शन में 48000 रुपया है, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे, और जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बिना लिखे हुए सॉल्व करेंगे, ये आप जरूर करिएगा, मैं समझाने के लिए यहां लिख रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा थर्ड, और तीसरा क्वेश्चन को आप पढ़िएगा ध्यान पूर्वक, फिर मैं भी पढ़ता हूं। चलिए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन ध्यान से समझिए। पहले और दूसरे क्वेश्चन में तो सेम चीज था, लेकिन तीसरा क्वेश्चन उससे अलग होगा, और क्या अलग होगा इसी बात को समझना होता है। क्वेश्चंस एक जैसे कहीं कहीं लगेंगे, लेकिन कहने का जो तरीका होता है वो अलग अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, फिर समझते हैं। आइए, एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है, अंत में उसके पास 1919 रुपया बच जाता है, तो उसकी आय क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो ज्यादातर इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। शेष का यानी कि उसमें तो टोटल आय का खर्च कर रहा था मेरे फर्स्ट और सेकेंड वाले क्वेश्चन में, लेकिन ये जो मेरा थर्ड क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं, इसमें शेष का यानी जो खर्च किया वो उसका जो शेष बचा फिर उसका खर्च किया, यानी कि शेष का खर्च किया। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप जरा सा गौर करिएगा और ध्यान दीजिएगा। चलिए, इसमें हम मान लेते हैं उस व्यक्ति का आय एक्स है। ठीक है, क्या मान लिए, उस व्यक्ति का आय एक्स है। अब हमको आप ये बताइएगा कि जब व्यक्ति का आय एक्स रुपया है और उसमें से 5% अगर निर्धन कोष में दान कर देता है, और आगे क्वेश्चन में शेष का बात हो रही है, शेष का, तो हमको 5% इसका निकालना बिल्कुल गलत हो जाएगा, हमको यहाँ इसका शेष निकालना होगा। यानी कि अगर हम 5% खर्च कर देते हैं तो हमारा शेष बचेगा आपको 95%। ठीक है, और नेक्स्ट फिर कर रहा है कि शेष का 20% यानी कि शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है। तो जब शेष का 20% बचत बैंक में जमा करता है तो अब शेष क्या बचेगा, तो 80/100, यानी कि कुल मिला जुला कर जो अब उसके पास पैसा बचा, आप वहां तक पहुंच चुके हैं, और उसके पास बचा क्या है, 1919 रुपया उसके पास बचा है। तो अब इसको कैलकुलेशन कर देते हैं, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1919 ये दोनों गुना में हैं, तो ऊपर नीचे है, नीचे बटा में है, तो इधर कहाँ हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, और ये दोनों ऊपर है तो ये कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो चलिए कटा देते हैं और कटा के इसका आंसर देते हैं, ये 5 से कटाते हैं, 19 × 5 = 95, ये 5 से 20 बार में कटा सकते हैं, 19 लिए कटेगा, देखिए कितना, 101 बार में, और ये 20 लिए कटेगा 4 बार में, 4 से कटा दीजिएगा ये 25 बार में। अब गुना कराना है 101 × 25, 101 × 25 कराने के बाद हमारा जो आंसर होगा हम उसको आंसर दे देंगे। तो 101 में और हम 25 से गुना करा देते हैं, 50 और ये 5 और ये 202, यानी कि 5252, यानी कि 2525। यहाँ बात को समझिए, उसका जो आय है वो 2525 रुपया उसका आय है, यानी कि इसका आंसर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, 2525। अगला क्वेश्चन जो मेरा होगा क्वेश्चन 4,
ऐसा ही क्वेश्चन होगा, लेकिन लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंजिंग होगा, उसको आप समझिएगा। तो अगर इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन फोर की तरफ, उसको ध्यान से आप पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर आप स्क्रीन पे देखिएगा और पढ़िएगा, मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर में है, नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50% वह भोजन तथा परिवहन पर व्यय करता है। इसके बाद शेष में से 1000 रुपया मकान का किराया देता है। अंत में उसके पास 1800 रुपये बचते हैं, तो नारायण का मासिक वेतन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, क्वेश्चन नंबर फोर बनाने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले वही काम करना है, माना कि उसका आय क्या है, एक्स है, तो एक्स मान लिए। उसके बाद कह रहा है कि 30% शिक्षा पर व्यय करता है। अब बताइएगा कि 30% शिक्षा पर व्यय करता है, तो अगर मैं 30/100 लिख दूं तो गलत होगा। इसलिए गलत होगा कि आगे शेष का बात हो रही है। तो अगर आप 30% खर्च किए तो आपका शेष तो 70% ही बचा। फिर आगे बढ़ते हैं तो 50% वह भोजन तथा परिवहन पे खर्च करता है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 50% अगर खत्म हो गया तो 50% क्या होगा, बचेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला स्टेप पढ़ते हैं। इसके बाद शेष में से वह 1000 रुपया मकान का किराया देता है। यही समझना है, 1000 रुपया किराया देता कहां से है, इसी में से देता है। और ये देने के बाद उसके पास 1800 रुपये बचते हैं। अगर आप 1800 सीधा इज इक्वल टू में डाल दें तो बिल्कुल ही गलत जवाब आप दे दीजिएगा। इसलिए कि 1000 रुपया जो है वो खर्च किया है, तो इसी में से खर्च किया है। या आप दो काम कर सकते हैं कि 1000 यहाँ इसमें से पूरे में से माइनस करिए, या 1800 में 1000 आप जोड़ दीजिए। तो सीधा सीधा इधर माइनस क्या करना है, सीधा हम 1800 और 1000 जोड़ देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 2800 हो जाएगा। यानी कि ये 1800 न रख करके मैं 2800 रखूंगा। बात समझ में आ रही है क्यों, क्योंकि वो यहाँ पे खर्च कर रहा था और उस खर्च को हटा करके इतना ही पे मैंने यहाँ 2800 रख दिया। अब इसको जब हल करिएगा तो 2800 गुने 100 गुने 100, ये दोनों ऊपर जाएंगे और वो दोनों नीचे आएंगे, तो 70 गुने 50, ये 50 से दो बार में, और ये 0 0 कटा दीजिएगा, सच्चक 28 40 दुना ये क्या होगा जी, 80 अगुना 100 बचा है तो कितना होगा, 8000 रुपया। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी, यानी कि 8000 रुपया उसका मासिक वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही ज़्यादा, यानी कि अगर आय व्यय बचत की बात करें तो ये 90% चांस होता है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया से पढ़िएगा और समझिएगा, ताकि जब आप क्वेश्चन बना सके, प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, तो क्वेश्चन कोई छूट नहीं पाए। इस क्वेश्चन को देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं इसके बाद, तैयार हैं आप? क्वेश्चन नंबर 5 केयरफुली समझिए इसको पहले, फिर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार पढ़ते हैं। राम का व्यय और बचत का अनुपात 3:2 है। राम का व्यय और बचत, सबसे पहले हमको एक बात बताइए आप हमको ये बताइएगा कि व्यय का मतलब क्या हुआ। व्यय का मतलब हुआ खर्च, यानी कि आपने जो खर्च किया वो आपका क्या हुआ, व्यय हुआ। और बचत मतलब क्या हुआ, जो आप पैसा सेव करके रखते हैं वो बचत हुआ। तो इसका जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:2, यानी कि ये यहाँ अगर हम यहाँ 3 रखते हैं तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2। देखिए आपकी आय दो चीजों से बनी होती है, जो आप पैसा कमाते हैं उसमें दो चीज होता है, या तो आप व्यय करते हैं और बचत करते हैं। यानी कि अगर हम आय की बात कर लेते हैं
तो आय भी यहाँ हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर 3 रुपया आप खर्चा कर रहे हैं और 2 रुपया बचा रहे हैं, इसका मतलब कितना कमा रहे हैं बताइए जी। आप 3 रुपया खर्चा किए और 2 रुपया बचा लिए, तो 5 रुपया आप कमा रहे हैं, यानी कि उसकी आय क्या है, 5 है। ये बात पहले की है, ये बात कब की है, पहले की है, अब की नहीं है, पहले की है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन में कुछ बदला गया है। क्वेश्चन में कहा क्या गया है, थोड़ा सा आप समझिएगा ध्यान से। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बनाने के लिए मैं 5 के जगह 500 लिख देता हूँ, ताकि कैलकुलेशन जब करेंगे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि ज़्यादा पॉइंट वाली झंझट नहीं होगी। यहाँ 300 लिख देता हूँ और यहाँ 200 लिख देता हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, उसकी आय में 10% वृद्धि कर दो। आइए करिए वृद्धि। तो आय में 10%, अब वो बात कब की थी, पहले की थी, वो बात थी पहले की और अब बात नहीं हो रही है। और बात ये हो रही है कि 10% आय बढ़ा दो, तो बढ़ा दो। 500 रुपया अगर आपकी आय है तो 500 में से अगर आप 10% बढ़ाइएगा तो कितना होगा बताइए। 500 का 10% आप तो बता सकते हैं कि क्या होगा, 50 होगा। यानी कि उसका आय क्या होगा, 550। कब, जब आय बढ़ गया तब। तो फिर क्या कर रहा है, क्या कि व्यय को भी 12% बढ़ा दिया गया। तो व्यय को 12% बढ़ा दिया गया तो 300 का 12% कितना होगा। तो 300 का 12% अगर आप देख लें तो ये देखिए बढ़तियाई कितना होगा, 36। यानी कि 36 रुपया ये भी क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि अब जो व्यय हुआ वो 336। तो क्या आप बचत बता सकते हैं। ए तो क्या करेंगे, आपके आय में से अगर व्यय को घटा देंगे तो हमारा बचत आ जाएगा। तो 10 में से ये 6 गया 4, और ये 4 में से 3 गया 1, और ये देखिए 5 में से 3 गया, क्या बचेगा, 2। अब यहाँ बात समझिए, ये नहीं पूछा गया बचत क्या है, पूछा गया है बचत का प्रतिशत बताओ, यानी कि कितना प्रतिशत आपका बचत में वृद्धि हुई है। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, पहले 200 रुपया था, अब 214 रुपया आपका बचत हो गया है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, जो बड़ा होता है वो लिख देते हैं। तो 14 बड़ा है, 14 लिख दिए, और 100 से गुना करा देते हैं। और नीचे जरा ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं आपको प्रतिशत वृद्धि पूछ दी जाए, वृद्धि, तो इन दोनों में से हम कम वाला लिखते हैं। अगर आपको कहीं प्रतिशत कमी पूछ दी जाए तो इन दोनों में से हम अधिक वाला लिखते हैं, यानी जस्ट अपोजिट, वृद्धि तो कम वाला और कमी तो अधिक वाला। तो वृद्धि पूछा गया है तो कम वाला इन दोनों में कौन है, इसको तो देखिए मत, बचत की बात हो रही है तो इन दोनों में कम वाला कौन है जी, 200 है तो यहाँ क्या रख देंगे, 200 रख देंगे। तो ये कटा दीजिएगा दो बार में, तो इसका आंसर क्या आएगा, 7%। आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में 7% है, ठीक है, और वही आपका आंसर होगा, यानी आपका आंसर ए बिल्कुल सही होगा। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे फिर से।